नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्टार हमें एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है आर क्रॉस आर टू आर एंड ए स्टार बी का मीनिंग है मॉड ऑफ ए माइनस बी, राइट। सेकेंड एक ऑपरेशन हमें और गिवन है ओ, दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर एंड ए ओ बी का मीनिंग है इफ ए ओ बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ओ एक बाइनरी ऑपरेशन है, करेक्ट। हमें शो करना है स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार कम्यूटेटिव नहीं है बट एसोसिएटिव है, राइट। सॉरी, स्टार इज कम्यूटेटिव, हमें शो करना है स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ओ इज एसोसिएटिव, ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। जो बाइनरी ऑपरेशन ओ है दैट इज एसोसिएटिव है वो, बट कम्यूटेटिव नहीं है, ये भी हमें शो करना है। थर्ड, ए स्टार बी ओ सी, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी। ओ जो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार सी, इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ, यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टी शो करके चेक करनी, सॉरी चेक करनी है कि क्या ऐसा होल्ड करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें चेकआउट करना है ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। ओ को अगर हम स्टार पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दिस विल बी लाइक दिस, ए ओ बी स्टार ए ओ सी। हमें चेक करना है क्या ऐसा है, ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, राइट। ये चार चीज़ें हमें चेक करनी है। फर्स्ट केस में स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव फॉर स्टार, पहला केस। कम्यूटेटिव फॉर स्टार चेक करते हैं, स्टार की डेफिनेशन को देखिए, ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, ए माइनस बी। तो ऑब्वियसली फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, राइट। ए माइनस बी, ए स्टार बी, सॉरी ए स्टार बी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी मोड, राइट। एंड ए माइनस बी मोड को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ बी माइनस ए, राइट। मोड में टर्म्स को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। 2 माइनस 3 का आप मोड फाइंड करेंगे दैट इज -1 का मोड विच इज इक्वल टू 1, एंड 3 माइनस 2 का मोड फाइंड करेंगे दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 का मोड, मोड ऑफ 1 दैट इज ऑल्सो 1, दोनों के मोड इक्वल होंगे। सो ए माइनस बी मोड इज इक्वल टू बी माइनस ए मोड, करेक्ट। बट अगर हम बी स्टार ए फाइंड करें तो वो क्या होगा, बी स्टार ए क्या होगा, बी माइनस ए मोड, राइट। सो बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए, राइट। सो वी कैन से ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए एम्प्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार हमारा कैसा है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसको चेक करते हैं हम एसोसिएटिव के लिए कि स्टार एसोसिएटिव है या नहीं है। उसके लिए हमें कोई 3 एलिमेंट्स चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड फर्स्ट वी विल चेक, वी विल फाइंड ए स्टार बी स्टार सी। सो दिस विल बी, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार एसोसिएटिव नहीं होगा, और क्वेश्चन में भी पूछा था बट नॉट एसोसिएटिव, राइट। तो आप एग्जाम्पल की हेल्प से इसको कर सकते हैं, दैट विल बी मच बेटर। 2 3 1, 2 3 5, हम कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं बिलोंग्स टू आर, और अगर हम 2 स्टार 3 स्टार 5 फाइंड करते हैं इट विल बी 2 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 का आंसर क्या होगा, स्टार के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट शुड बी 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2 स्टार 3 3 माइनस 5 मोड, राइट। एंड इट शुड बी 2 स्टार 2 बिकॉज मोड ऑफ -2 विल बी 2, दिस इंप्लाइज 2 माइनस 2 मोड
which is equal to 0, right? So हमने 2 star, 3 star, 5 को find किया and it comes out to be 0, यह हमारा 0 आया. अब हम find out करते हैं 2 star, 3 star, 5. So this will be 2 minus 3 mod. 2 star 3 का answer क्या होगा? Star की definition के according 2 minus 3 mod. Star 5. Now 2 minus 3 mod. 2 minus 3 mod will be mod of minus 1. Star 5. And mod of minus 1 is 1. So it is 1 star 5. Which is equal to 1 minus 5 mod. That is minus 4 mod, which is equal to 4. Correct? Now, अगर हम इसको and इस expression को देखते हैं तो दोनों unequal है. This implies 2 star 3 star 5 is not equal to 2 star 3 star 5. And according to this, हम कह सकते हैं कि operation star is not associative. Implies star is not associative. Star हमारा operation associative नहीं है. Right? अब हम इसका second part देखते हैं. O is associative but not commutative. O को हमें क्या show करना है? कम्यूटेटिव नहीं है. O की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. A O B किसके इक्वल है? A के इक्वल है. A O B किसके इक्वल है? A के इक्वल है. इसको आप याद रखिए. या मैं एक बार डेफिनेशन O की यहां पर दोबारा लिख देता हूं. A O B इट मींस A, राइट? सपोज आप 2 और 3 फाइंड करते हैं, राइट? सो इट विल बी 2. आप 5 O 6 फाइंड करते हैं, इट विल बी 5, राइट? इस टाइप से. सो लेट अस सी इज दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और नॉट. A O B आपने फाइंड किया, दिस विल बी A, एंड अगर B O A फाइंड किया जाए, इट विल बी B, करेक्ट? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा आंसर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट में B आंसर आना चाहिए. सो आप कह सकते हैं A O B A O B is not equal to B O A. It means star is not commutative. Star commutative नहीं है. अब हम चेक करेंगे associative के लिए. उसके लिए हम फाइंड करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं. 2 स्टार 3 स्टार 1, दिस इज इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 1. एओबी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एओबी क्या होता है? ए के इक्वल. So 3 star 1 किसके equal होगा? 3 के equal. And 2 star 3, what will be 2 star 3? बताओ 2 star 3 क्या होगा? Definition के according it should be 2, right? Now we find 2 star 3 star 1, right? Again according to definition of AOB, 2 star 3 should be 2 star 1. This operation is associative, right? But example से हम जब कुछ कोई operation associative है तो उसको हम show नहीं कर सकते. हमें in general prove करना होगा, arbitrary element ABC लेके show करना होगा. इसलिए इसको हम ABC लेकर prove करेंगे, right? So A star B star C is equal to, according to definition B star C क्या होना चाहिए? B star should, C should be B,
एंड अगेन अकॉर्डिंग टू सॉरी हम ओ के लिए चेक कर रहे थे, ये स्टार स्टार नहीं, यहाँ पर ऑपरेशन आप ओ लिखेंगे, इस पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, राइट right? इसको दोबारा से मैं बताता हूँ, ए ओ बी ओ सी हम ये फाइंड करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बी ओ सी क्या होना चाहिए, ए ओ सी सॉरी बी ओ सी का आंसर होना चाहिए बी, ए ओ बी एंड इट शुड बी ए ओनली। एंड इफ यू फाइंड ए ओ बी ओ सी इट शुड बी ए ओ बी का आंसर आपका होना चाहिए ए ओ सी एंड ए ओ सी इज इक्वल टू ए, राइट। ऑन बिहाफ ऑफ दीज टू रिलेशन ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, राइट। इसके बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं, इस पार्ट को आप नेग्लेक्ट रखिए, इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव, ओ इज एसोसिएटिव, ऑपरेशन ओ हमारा कैसा है, ओ इज एसोसिएटिव, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट और हैं, वो पार्ट क्या हैं, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ हमें ये शो करना है, यानी कि हमें इस रिलेशन को इसके इक्वल शो करना है कि दोनों रिलेशन इक्वल हैं या नहीं है। मैं इसको अगेन वहां पर एक बार दोबारा से लिख देता हूं, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ए, इसका ओवर ओ, उसके लिए हमें क्या रिलेशन वेरीफाई करना होगा, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। अगर ये दोनों साइड इक्वल आती हैं इट मीन्स स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ, ओके। इसमें अगर हम LHS चेक करें, LHS हमारा क्या है, ए स्टार बी ओ सी, करेक्ट, ओके। फर्स्ट हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट शुड बी ए स्टार बी ओ सी का, बी ओ सी का आंसर होना चाहिए बी, राइट, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एंड ए स्टार बी शुड बी ए माइनस बी मोड, राइट, क्योंकि ए स्टार बी की डेफिनेशन आप क्वेश्चन को एक बार देखिए ओरिजिनली, वहां पर आपको स्टार की डेफिनेशन है कि ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, मोड ऑफ ए माइनस बी। सो इसका आंसर हमारा क्या आया, मोड ऑफ ए माइनस बी। सेकेंड RHS को अगर हम देखें, RHS को देखते हैं हम ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, राइट, ए स्टार बी, ए स्टार बी का आंसर होगा मोड ऑफ ए माइनस बी, ओ एज इट इज है, एंड ए स्टार सी का आंसर होगा मोड ऑफ ए माइनस सी, मोड ऑफ ए माइनस सी, करेक्ट। नाउ दिस इंप्लाइज ए माइनस बी मोड ओ ए माइनस सी, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी मोड, करेक्ट, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए ओ बी की डेफिनेशन क्या है, ए ओ बी मीन ए, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, सो ए माइनस बी मोड ओ ए माइनस सी मोड इज इक्वल टू ए माइनस बी दिस, करेक्ट। अगर हम दोनों रिलेशंस को देखते हैं, LHS हमने सिंप्लीफाई किया था उसका आंसर था मोड ऑफ ए माइनस बी, RHS सिंप्लीफाई किया उसका आंसर भी क्या है, मोड ऑफ ए माइनस बी, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, करेक्ट, ये हमारा वेरीफाई हो गया, हमें ये चेकआउट करना था, ठीक है। सो वी कैन से स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ। नाउ नाउ हमें सेकेंड रिलेशन चेक करना है, इज ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए ओ बी स्टार सी इज इक्वल टू ए ए ओ बी स्टार ए ओ सी, ए ओ सी, राइट। इफ दिस कम्स आउट, इफ दिस कम्स आउट इक्वल, इन दैट केस वी कैन से स्टार इज ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, राइट,
Okay, first we will simplify its LHS. AO B star C. AO B star C, it means AO B star C will be mod of B minus C. And according to second binary operation O, A of O and then second element, its answer will be first element. So it should be equal to A, right? And agar hum RHS ko simplify karein, AOB star AOC, this is equal to AOB, AOB ka answer hoga A. Then AOC ka answer kya hoga? A ke equal. Beech mein star as it is rahega, AOC ka answer kya hoga? A, right? This is equal to A star A. What is A star A? According to definition of star, it should be mod of A minus A. So it is equal to 0. यहाँ पर LHS और RHS की value unequal हैं. So we can say this implies, जो ये relation हमें check करना था, AOB star C is not equal to AOB star AOC. So we can say star O is not distributive over star. O is not distributive. O is not distributive over star, right?